टीआरपी डे इज फाइनली हियर, तो चलिए आपको बताते हैं कि टीआरपी जो है किस शो को कितनी मिली है कलर्स पर, क्या फिर एक बार नागिन 6 ने ही अपना झंडा गाड़ा है ऑन नंबर 1 स्पॉट, या फिर कोई और शो है जो नंबर 1 की स्पॉट ले सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ, कितनी है टीआरपी। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिकवल। कलर्स की अगर बात करें, कलर्स के शो की अगर बात करें, तो लेट्स स्टार्ट विथ द टीआरपीज जो इन यू नो चैनल पे दिखाई दे रहे हैं शोज के, और एंड में मैं आपको बताती हूँ कौन सा है शो नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिर्फ तुम से। सिर्फ तुम को मिली है 0.4 की टीआरपी, और इस शो की टीआरपी ज़्यादातर कम ही रहती है। उसके बाद बात करते हैं फना की, 0.5 की टीआरपी जो है इस शो को मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद 0.6 मिली है नीमा डनजोंगपा को, और ससुराल सिमर का 2 इसको मिली है 0.8 की टीआरपी। उसके बाद अगर बात करें उड़ारिया की, तो उसे 1.5 की टीआरपी मिली है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी टीआरपी है। परिणीति को भी 1.4 की टीआरपी मिली है, काफ़ी बढ़िया टीआरपी है। स्वर्ण घर को भी काफ़ी अच्छी टीआरपी मिल चुकी है, 1.2 के साथ स्वर्ण घर भी आगे हमें दिख रहा है। मुस्कुराने की वजह तुम हो नया ही शो है, लेकिन उसको भी एवरेज ठीक ठाक ही टीआरपी मिली है, 1 के साथ 1 टीआरपी है उसकी। हरफुल मोइनी अगेन अ न्यू शो, इसको भी काफ़ी अच्छी टीआरपी मिली है, एक्चुअली एवरेज, लेकिन नया शो है तो उसके हिसाब से, अभी रिलीज हुआ है उसके हिसाब से अच्छी है, 1 की टीआरपी मिली है। स्पाई बहू को 0.8 की मिली है। फना के बारे में तो मैंने आपको बताया 0.5, और डांस दीवानी जूनियर्स की अगर बात करें, करण कुंद्रा इस शो को होस्ट कर रहे हैं, 1 की टीआरपी मिली है। मोस्टली 1 के टीआरपी के आसपास ही शो को टीआरपी मिलती है। और बाद में बात करते हैं अबाउट नागिन 6, ऑफ कोर्स 1.9, जी हाँ 1.9 की टीआरपी जो है मिल चुकी है, टीआरपी थोड़ी बढ़ गई है। सो वो टाइम दूर नहीं है कि अब 2 के इसमें जो है नागिन 6 एंटर करे। सो यस, नंबर 1 शो ऑफ कलर्स वंस अगेन इज तेजस्वी का नागिन 6। नंबर 2 की अगर बात करें, तो वो है उड़ारिया वंस अगेन विद 1.5 के टीआरपी, एंड थर्ड नंबर पे है परिणीति विद 1.4 के टीआरपी। क्या कुछ कहना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू सून।